बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर फिर पेच फंस गया है। तो अमित शाह का मुंबई दौरा रद्द हो गया है, जिससे एक बार फिर सीटों का बंटवारा अधर में लट गया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उसमें संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि कहीं ना कहीं ये सीटों का बंटवारा बेहद भयंकर है, जिससे पाक और भारत के बीच बंटवारे को लेकर एक भयंकर स्थिति बन गई थी। वही स्थिति अब बीजेपी शिवसेना में जो है वो बनी हुई है और अब एक बार फिर से सीटों का जो बंटवारा है उसका पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो भी रद्द हो गया है और अब सीटों का बंटवारा अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेहद नजदीक है विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई सहमति सीटों को लेकर बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बैठक भी जो है वो कई हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी सीटों का बंटवारा जो है वो अधर में लटका हुआ है। सीटों को लेकर जो पेच है वो लगातार फंसा हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर बीजेपी शिवसेना के बीच जो सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है वो कब तक सुलझ पाता है कि नहीं सुलझ पाता है। तो गृहमंत्री अमित शाह का मुंबई दौरा भी जो है वो इस दौरान रद्द हो गया है, तो बीजेपी की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रही है।